व्हाट्स अप गाइस, अभिजीत हियर, बैक विद अनदर वीडियो। एंड जो मैंने लास्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था फैंटम 4 प्रो का, उस पर मुझे इतने सारे कमेंट्स आए प्राइस को लेके। प्राइस क्या है बताओ भाई, प्राइस कितना है, कितने में लिया, कहाँ से लिया, इतने सारे कमेंट्स आ गए। यूट्यूब पे तो आई, फेसबुक पे भी मुझे लोगों ने मैसेज किया एंड इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया। सो मैंने सोचा चलो फाइनली प्राइस बता ही देता हूँ। एंड मेरा तो प्लान था कि ये वीडियो मैं लाइव करूँ, पर फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम लाइव कर लूँगा। और इससे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी। एंड इसी खुशी के मौके पर मैंने सोचा था कि लाइव कर लूँगा, पर देखते हैं लाइव कब करूँगा। तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए कि क्या आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन करना पसंद करेंगे, और कौन से टाइम पे मुझे करना चाहिए, किस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे, एंड ये सारे चीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आगे का जो वीडियो होगा मैं शायद आपके साथ एक लाइव 1-to-1 सेशन कर लूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ड्रोन्स के प्राइस हैं इंडिया में, कंज्यूमर ड्रोन्स, उसके प्राइसेस में बताऊँगा आपको, मैं एक रेंज बताऊँगा, क्योंकि ड्रोन्स के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइसेस में अवेलेबल है। सो मैं आपको एक रेंज बता दूंगा एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे पास ये पेपर है जिस पे मैंने प्राइस लिख के रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहला स्पार्क, DJI स्पार्क जो है वो अभी फ़िलहाल तो रिमोट के साथ अवेलेबल नहीं है। जो बिना रिमोट के आता है दैट कॉस्ट्स बिटवीन 38,000, जो लोएस्ट प्राइस है, अप टू 50,000। एंड मैं आपको एक लोएस्ट प्राइस एंड द हाईएस्ट प्राइस जो है मैंने फाइंड किया है अभी तक, मेरे रिसर्च किया है जितना, तो मैं दो प्राइस आपको बताऊंगा, अपर लिमिट एंड द हायर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो वो था स्पार्क का प्राइस विदाउट रिमोट कंट्रोलर, 38,000 से लेके 50,000 के बीच में आया। एंड विद द रिमोट कंट्रोलर इट शुड कॉस्ट समवेयर बिटवीन 55,000 to 70,000 रुपीज़। उसके बाद बात करते हैं मैविक प्रो की। मैविक प्रो विद फ्लाई मोर कॉम्बो यू विल गेट इट फॉर 90,000 to up to 110,000, दैट इज 90,000 से लेके 1,10,000 के बीच में आपको मैविक प्रो का फ्लाई मोर कॉम्बो मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 बैटरीज, कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स एंड चार्जिंग हब वगैरह वो सब मिल जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने ड्रोन लिया फैंटम 4 प्रो, तो फैंटम 4 प्रो सिंगल बैटरी के साथ आपको मिल जाएगा 1,05,000 से लेके 1,25,000 के बीच में, दैट इज़ 105,000 to 125,000 रुपीज़। एंड उसके बाद फैंटम 4 एडवांस विथ सिंगल बैटरी यू विल गेट इट फॉर 98,000 to 120,000। एंड उसके बाद बात करते हैं फैंटम 4 की, जो कि पुराना वाला ड्रोन है जो मेरे पास था जो टूट गया, वो 3 बैटरी के साथ आपको मिल जाएगा 1,10,000 से लेके 1,30,000 के बीच में। और जो इसका फैंटम 4, फैंटम 4 एडवांस और जो फैंटम 4 प्रो है, ये तीनों के बैटरीज़ इट्स द सेम। बेसिकली जो फैंटम 4 प्रो और फैंटम 4 एडवांस है उनका जो बैटरी है इट्स अ हाई कैपेसिटी बैटरी, 5,800 mAh का है, जबकि ये जो फैंटम 4 है उसका बैटरी 5,300 mAh का है, बट दोनों का साइज़ एकदम सेम है। तो जो फैंटम 4 का बैटरी है वो फैंटम 4 प्रो में भी यूज़ कर सकते हैं आप, फैंटम 4 एडवांस में भी यूज़ कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये तो हो गया बैटरीज़, और बैटरीज़ जो फैंटम 4 प्रो और फैंटम 4 का जो बैटरी है दैट शुड कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 11,000 to 14,000। और ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल जुलाई, मिड जुलाई चल रहा है अभी, तो इस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। इसका प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है, अभी फ़िलहाल जो है मॉनसून का सीज़न है तो ड्रोन के प्राइस थोड़े कम है, बिकॉज़ अभी ऑफ सीज़न है, वेडिंग्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, बारिश हो रही है, तो लोग ड्रोन्स उड़ाते नहीं हैं ज़्यादा, ड्रोन्स आप उड़ा नहीं सकते। मेरा खुद का शूट कुछ अटका पड़ा है, तो इस वजह से जो है ड्रोन्स के प्राइस अभी कम है, मॉनसून ऑफ़र चालू है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई एनी ड्रोन इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई। इसके अलावा
हाँ, इफ़ यू आर इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट द प्राइस इंटू US डॉलर, सो फिलहाल US डॉलर का प्राइस जो है $1 इक्वल्स टू 65 इंडियन रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट दैट थिंग. एंड बिसाइड्स दैट द रेंज दैट आई हैव गिवन इज़ लाइक जो आपको अपर लिमिट मैंने बताया है दोज आर द प्राइस फ्रॉम द DJI ऑथोराइज रीसेलर. तो जो ऑथराइज रीसेलर्स होते हैं DJI के, इसके बारे में भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, वे टू बाई ड्रोन्स इन इंडिया. यू कैन चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन और क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू विल गेट दैट वीडियो. सो ऑथराइज स्टोर्स पे ये ड्रोन के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज दे गिव यू फ्री सर्विस फॉर 1 ईयर. तो आपके ड्रोन में अगर बेसिकली कुछ भी होता है, कुछ मदरबोर्ड का इशू है या कुछ बैटरी प्रॉब्लम है, कुछ सॉफ्टवेयर इशू है, सो दे कैन फिक्स इट फॉर फ्री फॉर 1 ईयर, सो दे वोंट चार्ज यू एनीथिंग. बट अगर आपका कोई ड्रोन में कोई फिजिकल डैमेज होता है, जैसे कि मैंने मेरा ड्रोन क्रैश कर दिया, सो इन दैट केस आई नीड टू रिपेयर द कैमरा, द गिम्बल एंड ऑल, सो दैट वुड कॉस्ट मी मनी. इसके अलावा अगर आप ऑथोराइज रीसेलर से नहीं लेते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे आपको जहाँ आपको ड्रोन सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, पर वो लोग कोई वारंटी नहीं देते एंड एक बार ड्रोन बेच दिया तो टाटा बाय बाय, दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव. एंड उसके बाद ये होता है कि आपके ड्रोन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको DJI सर्विस सेंटर पे ही जाना पड़ता है. एंड वहाँ पे अगर वो लोग ड्रोन पे हाथ लगाते तो मुंबई के जो DJI सर्विस सेंटर है वहाँ पे मिनिमम जो कॉस्ट है सर्विस चार्ज, दैट इज़ 1500 रुपीज़. तो कुछ भी होता है तो 1500 रुपीज़ तो आपको भरना ही पड़ेगा, दैट इज़ द सर्विस चार्ज. बिसाइड्स दैट इफ़ देर इज़ सम मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व बाई दोज टेक्नीशियंस ओवर देयर, दे सेंड इट टू द DJI स्टोर इन हांगकॉन्ग जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है, एंड वहाँ पे जाके वो लोग प्रॉब्लम वगैरह चेक करके फिक्स कर देते हैं. तो उसका जो आने जाने का शिपिंग कॉस्ट है दैट एंड द कस्टम्स वगैरह कुछ अगर भरना होता है तो वो आपको भरना पड़ेगा अगर आप DJI ऑथोराइज रीसेलर से नहीं लेते हैं. सो अगर आप वहाँ से ऑथोराइज रीसेलर से लेते हैं तो ये सारे कॉस्ट आपको नहीं भरना पड़ेगा, आपको इनिशियली वो लोग चार्ज कर लेते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, सो उसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. बट देन इफ़ यू गो टू सी द अमाउंट दैट दे चार्ज फॉर दिस सर्विस एंड ऑल इज़ टू हाई, लाइक 15,000 से 20,000 ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं. सो ये आपके ऊपर है आपको कौन सा ड्रोन लेना है, लाइक कहाँ से ड्रोन लेना है. यदि आपको वारंटी या सर्विस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप जो DJI रीसेलर्स है उनके पास से लीजिए, या फिर दूसरे काफ़ी जगह है जैसे मुंबई में आपको बुरा बाज़ार जो CST के वहाँ पे है, या फिर लैमिंगटन मार्केट, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉप्स में मिल जाएंगे. और मेरा हाथ काफ़ी दुख रहा है फ़िलहाल, इसलिए कैमरा थोड़ा शेक हो रहा है. सो आज काफ़ी सारा काम किया मैंने, एंड मैंने बोला अभी ट्राइपॉड वगैरह सेटअप करूँगा, वीडियो कब बनाऊँगा, एडिट करूँगा, कब डालूँगा पता नहीं. तो मेरा लाइव करने का प्लान था पर वो किया नहीं मैंने, तो बस ऐसे ही मैं रॉ वीडियो डाल रहा हूँ. शायद मैं इसको अभी एडिट भी नहीं करूँ ज़्यादा. तो ये थे सारे प्राइसेस जो मैंने आपको बता दिए. और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मोस्ट ऑफ़ द DJI रीसेलर्स एंड जो दूसरे शॉप्स है जहाँ पे ड्रोन्स मिलते हैं, हर जगह पे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा दैट दे विल टेक द पेमेंट इन हार्ड कैश. वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं चलता, EMI वगैरह कुछ नहीं चलता. तो इन मोस्ट केसेस यू विल हैव टू परचेज द ड्रोन्स इन हार्ड कैश, ऑल्सो मे बी सम अदर DJI प्रोडक्ट्स एज वेल. बट दूसरे जो DJI के प्रोडक्ट्स है जैसे ऑस्मो हो गया या ऑस्मो मोबाइल वगैरह, दूसरे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑनलाइन भी ईजिली अवेलेबल है, तो वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं. बट जो ड्रोन्स है वो तो आपको ऑफलाइन मार्केट में ही मिलेगा एंड हार्ड कैश में लेना होगा. तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड मैंने सारे ड्रोन्स के प्राइजेस बता दिए. इंस्पायर की जो प्राइस है वो करीब करीब 1,80,000 से लेके, जो इंस्पायर 1 है 1,80,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में मिलता है, और जो दूसरा वाला है वो भी करीब करीब 3 लाख से 3.5-4 लाख के आसपास आता है. तो बस यही थे सारे ड्रोन्स के प्राइसेस. अब मुझे बिल्कुल ये मत पूछना कि मैंने कितने में लिया और कहाँ से लिया ड्रोन, ये लेट दिस बी अ सीक्रेट बिकॉज आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू रिवील इट. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इट्स अ वेरी रॉ वीडियो, कुछ ज़्यादा एडिट नहीं करने वाला हूँ मैं इसको. सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप इफ यू रियली लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स.
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।